बीजेपी ने एकला चलने की बात कही थी कि एकला जो है अकेले चलेगी, अकेले जो है अपने दम पर जो है चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी ये बात हो रही थी, दिल्ली में ये बात हुई, दिल्ली के बाद बिहार में ये बात हो रही थी। लेकिन क्या दिल्ली में हार और बिहार में हार के बाद पंजाब की बात भी आपने छोड़ दी, एकला चलने की नीति को आपने पीछे छोड़ दिया? वो बात नहीं है, हार जीत जी, देखो हार लेके चलना चाहिए। दो पहलवान या एक कोई मैच होता तो एक ने हारना एक ने जीतना, ये कोई नई बात नहीं है जी। आस और उम्मीद होती है, हमने क्या किया, उस उम्मीद से इंसान चलता है कि हमने ये किया ये किया जी, हमें आस है, हमने किया है लोगों। लेकिन मैं सवाल मेरा सीधा है, एकला चलने की नीति को क्यों बीजेपी ने तिलांजलि दे दी? ये बात है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल का जो रिस्पेक्ट सेंटर के अंदर बैठी जो बीजेपी है उनमें बहुत ज्यादा है। हाई कमांड आप कह रहे हैं? हाई कमांड, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने जी जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे जी, उन्होंने जब भी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी कि आप अगर सत्ता में आओगे तो हम सत्ता में, अगर आप ओपोजिशन में बैठोगे जी तो बैठेंगे, बातों की कीमत होती है। यानी जी दिल्ली और बिहार में हार का नतीजा है या फिर रिस्पेक्ट है सही में? नहीं देखो, हार या जीत, अब दिल्ली में हार गई जी बीजेपी, आज दिल्ली की पब्लिक क्या कर रही है, रो रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो रो रहे हैं? बड़े मेरे रिश्तेदार हैं दिल्ली में, सब कहते हैं, आज आप चुनाव करा के देख लीजिए जी, दिल्ली में लोग रो रहे हैं, वो लोग, हमने बहुत भारी गलती की, हमने अपने पांव अपने आप काट लिए जी, कि इनको बना के किस तरह जो हालात है, आप किस क्या, क्या किस तरह के हालात है वहां पर, किस तरह की देखो बात यह है कि नाटक किया, हर एक बात में नाटक किया इन्होंने जी, वादे किए ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कोठी नहीं लेंगे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे जी, हम बत्ती नहीं लगाएंगे जी, आज कोठी ले ली, आज तनख्वाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी विधायकों इनकी सबसे ज्यादा तनख्वाह इन्होंने कर ली जी, हम मंत्री पद नहीं बताएंगे, अब जितने भी एमएलए है सबके पास इनके मतलब मिनिस्टर बना दिए नहीं तो चेयरमैन बना दिए, सबको दे दी, एमएलए तो कोई है नहीं जी, बातें की, अब लोग उन बातों में थे, लोग चाहते भी सीधा साधा जीवन केजरीवाल ऐसा करके दिखाएगा, राजनीति को नया रंग देगा, लाल बत्ती नहीं लगाएगा, होटर नहीं बजाएगा, कोठी नहीं लेगा, पैदल लोगों के बीच में जाएगा, लोगों की आस्थी इसी मोहल्ले में खड़ा होके, और ये जो बिजली की तार जोड़ रहा है ये जोड़ेगा जी, तो आज वो कहाँ है जी जी। दूसरा कोठी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, स्कूटी भी ले ली जी, महज बातें थी, चुनावी बातें थी। लेकिन जानी जी पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष काफी लंबा समय हो गया है, अभी तक तय नहीं हो रहा, क्या कारण है? कमल जी काम कर रहे हैं ना, इसमें किसी को क्या अड़चन है? नए अध्यक्ष फिर क्या दिक्कत है? अब कमल जी काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, संगठन है, चल रहा है जी। नए प्रधान को लेकर कहीं ये नहीं लग रहा कि कहीं देरी हो रही है? नया कोई आसमान से थोड़ा लेके आएंगे जी, हम में से किसी को बनाएंगे जी, तो क्या कमल जी कौन से बुरे हैं, काम कर रहे हैं जी। आपको लगता है कि देरी नहीं हो रही है इसमें? कोई देरी नहीं, क्या देरी है, काम पार्टी कर रही है जी, पार्टी डिसीजन लेना है जिस दिन ले लेंगे। जानी जी आप कह रहे हैं कि कोई विलंब नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बटी हुई है, एक कमल ग्रुप है और दूसरा खन्ना ग्रुप है, क्या ऐसा है? नहीं मुझे तो नहीं लगता, इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मैंने तो कभी डुकम डुक होते देखा नहीं जी। आप कैसे कह रहे हो तो आपका नजरिया पता नहीं क्या है, मेरे नजरिए से तो कुछ भी नहीं है जी। जब डुकम डुक होता है तभी मतलब, हाँ तभी पता लगे, कांग्रेस वाले करते हैं ना, एक दूसरे को मच से डाल देते हैं, अब शब्द बोलते हैं, आपने कभी सुना जी खन्ना जी के मुंह से सुना? बीजेपी में ऐसा नहीं होता है? नहीं कोई नहीं है, मैंने एक ही कहा है कि विचार में तो विचार जो होते हैं जी जी उसमें आ सकता है जी, तो ये नहीं है कोई लड़ाई। आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन पार्टी है यहाँ पर? है, पक्का है, बताइए कहाँ नहीं जी। आपने ये कहा कि आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर क्यों 2014 में जो है जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी को यहाँ के पंजाब की जनता ने 4 सांसद दिए? ये ठीक हो गया, क्या था कि जो लोगों में गुस्सा था बिना वजह का जी, वो लोगों ने निकाल लिया, अब लोग सोचते हैं यार ये तो बिना वजह गुस्सा था जी, और ये हमारे लिए जो कहते हैं ना कि परमा ईश्वर जो करता है ठीक करता है जी, ये जो हुआ 4 वो बने या जो भी कोई घटना किसी तरह से उपज लेती है जी, तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ, जो 17 का चुनाव बिल्कुल साफ और निरोल निकलेगा, अब लोगों ने अजमा लिया, उनके एमपी को अजमा लिया, देख लिया
भगवान मान जी क्या कर रहे हैं, अब आप मियाँ तो कांदा खाए दूसरों को उपदेश सुनाए जी, आप तो प्याज खाता और कहे प्याज बुरी चीज है, तो लोगों को तो खुशबू आ जाती है ना जी। जी तो अगर आप जो चीज नहीं कर रहे तो वो तो लोग मान लेंगे जी, तो लोगों ने कुछ सब देख, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि वो चाहे डोप टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो उसके लिए तैयार है, जिसकी तरह आपने है अच्छी तरह से जानते हैं हम उनको, लोग जानते हैं, चित्र है, मूवी है, वीडियो है, एक टेलीविजन में आपके मीडिया से दिखाई गई थी बिल्कुल, तो लोग तो देखते हैं जानते हैं जी। दूसरा जानी जी, SYL के मुद्दे पर पंजाब सरकार, ये कहे कि गठजोड़ सरकार जो है वो कांग्रेस उपाध्यक्ष या आम आदमी पार्टी की जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनका रुख जानने में लगी है, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो इस पर चुप है। क्या प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से पहल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पानी का जो मुद्दा है वो राज्यों का मुद्दा नहीं देश का मुद्दा है, राज्यों का मुद्दा है। अब मुझे भूख लगी हो तो मैं पड़ोसी को खाना नहीं दूंगा, जो मुझे आवश्यकता किसी चीज की है जी, तो मैं अमूमन इंसानियत के नाते मैं मेरी पूरी करूंगा जी। तो आज पंजाब के अंदर पानी की कमी है जी, अगर ये दे दी जाए तो यहाँ बर्बादी है जी। तो आप देख रहे हो कितनी पंजाब की भूमि जो है ट्यूबवेलों से उपजाऊ होती है जी। आज भी पंजाब के अंदर 12 मासी नहरें भी है और 6 मासी जो 6 महीने नहरें चलती है जी, जी। लोड उनको भी 12 महीने चलने की है जी। वो 6 महीने चल रही है पानी की किल्लत होने के कारण, अगर ये दे दिया जाए जी, पानी अगर सरप्लस हो, पानी अगर फालतू हो जी, तो दे दिया जाए जी। अगर अपनी भूख ना मिट पाए जी, और दूसरे को दे देना तो कोई शान नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हरियाणा को जरूरत है या दिल्ली को जरूरत है और पंजाब अगर बात होती है पानी की, पीने के पानी की बात होती है, इसको लेकर ये विवाद जो है चलता रहना चाहिए या देश में जो केंद्र सरकार है या प्रधानमंत्री है उनको पहल करनी चाहिए और मुद्दा सुलझाना चाहिए, इश्यू सुलझाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना बनाई जी नदी जोड़ने की जी, अब मोदी साहब भी उस पर विचार कर रहे हैं जी। जब नदियां जोड़ ली गई जी तो अब जमुना भी है, अगर जमुना को सही तरीके से उसे वितरण किया जाए तो हरियाणा को पानी अच्छा दे सकती है, सही तरीके से दे सकती है जी। तो अब नदियां जोड़ी जाएंगी तो ना तो कहीं बाढ़ आएगा और ना ही कहीं पानी की किल्लत रहेगी जी। हमें इस योजना की ओर जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो SYL का मुद्दा है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी जो है राजनीतिक दलों की तरफ से उठाया जाता है, ऐसा क्यों है? सिर्फ सियासत के लिए? पिछली बार तो नहीं उठा था, इस बार ही है ना जी, पिछली बार नहीं उठा, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि तो कांग्रेस ने देखो गलत काम किया ना जी। अब कोई चीज हम बंटवारा कर रहे हैं भाई का भाई से कर रहे हैं जी, तो भाई की बात तो जान लें, समझ लें। हम राजनीति के लिए किसी को पूछे के बगैर ये कर दे, नंबर बनाने के लिए कर दे, फोटो खिंचाने। लेकिन ये तो सरकार की तरफ से मुद्दा जो है SYL का वो उठाया गया, पब्लिक की तरफ उठता है, सरकार की, सरकार तो कहती है, हरियाणा की सरकार तो कहती है हम बनाएंगे, पंजाब के कहते हैं हम, जब तक हमारा पूरा नहीं होता जी, हम आप पानी के लिए पूरे नहीं अधूरे हैं तो हम किसी को क्यों दे, और पंजाब देगा भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। अगर पिछले 9 साल का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कार्यकाल देखा जाए, आप क्या मानते हैं क्या बड़ी उपलब्धियां उनकी पिछले 9 साल के कार्यकाल में रही? मैं किसी से पूछ लूं कौन सी उपलब्धि नहीं है, उपलब्धियों से रिकॉर्ड भरा हुआ है। अगर मैं गिनाने लगूं जी तो घंटे 1.5-2 चाहिए जी। मैं कहना बता रहा हूं आपको कि जब जब सरदार प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल लोगों में बैठते हैं, लोगों में बैठते हैं, लोगों की आवाज सुनते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते हैं जी, और जो दुख भरी बात आती है वो हल करते हैं। गरीब को नब्ज पकड़ते हुए जी, गरीब को मुश्किल आ रही थी अनाज की, नीला कार्ड की सुविधा दी, आज गरीब के घर में अनाज नहीं मुकता है जी, भरा रहता है, और 200 यूनिट बिजली फ्री दी, किसान को भी फ्री दी, बुढ़ापा पेंशन की स्कीम है वो भी जी, अगर गांव में स्कूल की है, गांव में डिस्पेंसरी है जी, अगर फोकल पॉइंट बनाए जी, बिजली सरप्लस की सोची, ढाणी तक बिजली देने की लिंक रोड अगर बिछाने की जी, जितने भी डेवलपमेंट के काम है जी, वो हमारी सरकार के जाते हैं जी। पंजाब में कहीं भी खड़े हो जाते जी, जाओ तो। मंत्री जी आपके शौक क्या है? मेरा शौक लोगों की सेवा, अब मैं ये कह दूं लोगों की सेवा मेरा शौक है जी। बाकी मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, अब ये कह दो क्यों नहीं पढ़ लिख पाए जी।
कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी के मन में एक सवाल आ गया जी के रजवाड़े जो तोड़े पटेल ने जी, वल्लभ भाई पटेल ने जी, मैं जागीरदारी तोड़ू जी। उसने सरप्लस एक्ट लेके आई। जब मैं पढ़ रहा था जी तो मेरे दादाजी मेरे पास गए कि भी अब जमीनों के काम है, कचहरियों में जाना पड़ेगा, तहसीलों में जाना पड़ेगा जी, तो तेरे को ये पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मुझे बड़ा दुख हुआ जी। और अब जो जमीन है हमारी वो हमारी माँ है, हमारी रोजी है, हमारी रोटी है, हम उसे जाते हुए नहीं देख सकते किसी तरह से भी। इकट्ठे बड़े बड़े खाते थे छोटे करने के लिए जी। तो मुझे दादाजी ने पढ़ाई, मैं 10वीं क्लास में था और मुझे चित्तौड़गढ़ में पढ़ रहा था मैं, तो वो ले आए, पेपर में देख के जरूर आया जी। और उसके बाद 10 के बाद मैंने फिर इस कामों में लग गया जी। खेती जे फार्म भरे, जमीने अपने नाम, उसके नाम, ये नाम, उसमें कानून, काला कानून मैंने जिंदगी में पहली बार देखा जी। क्या आपको खेल या मूवीज देखने का शौक है? क्या देखते हैं आप? मैं खेलता रहा हूं। कौन सा खेल? हॉकी, हॉकी का प्लेयर रहा हूं मैं जी। कबड्डी भी खेलता रहा हूं जी। ये तो बचपन की है। बचपन में हम शक्कर बीजी जी, हरदड़ा होता था जो कपड़े की हम गेंद बाल बनाते थे जी, वो भी खेलते रहे। गांव में ऐसे खेल होते थे जी। तुम खेलते? मूवीज देखने का शौक है? पहले था, अब नहीं है। लास्ट आखिरी मूवी कौन सी देखी? पहले तो मूवी कहीं भी लगी होती। देखो अब मोटरसाइकिल पे मैं रोहतक, मुझे याद है वो भी फिल्म लगी थी जी, तो गांव से मोटरसाइकिल 300 किलोमीटर जाके मैं मूवी हम देख लेते थे। गंगानगर लगती थी, कोई पिक्चर नहीं छोड़ते थे जी। उस टाइम ऐसा ही था जी, तो पिक्चर भी देखी है जी। मंत्री जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी? आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHEE पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।